इफ अ सर्कल ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस पासिस थ्रू द ओरिजन एंड द मीट्स एक्सेस एट ए एंड बी अब देखो इफ अ सर्कल ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस पासिस थ्रू द ओरिजन एंड मीट्स द एक्सेस एट ए एन बी द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी एक सर्कल है कॉन्स्टेंट रेडियस का ओरिजन से पास कर रहा है ठीक है ये रहा वो सर्कल जो ओरिजन से पास कर रहा है ठीक है और कॉर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे मीट करता है तो मान लो ये ए है मेरा ये बी है बी के कॉर्डिनेट्स मैं ले लेता हूँ जीरो कॉमा बी और ए के कॉर्डिनेट्स ले लेता हूँ जीरो ए कॉमा जीरो अब कह रहा है सर्कल ऑफ कॉन्सेंट्रेट थ्री के पास थ्रू दो ओरिजन एंड मीट्स द एक्सिस एट ए एंड बी द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ट्राइंगल देखो देखो यहां पर नब्बे डिग्री बन रहा है ना ए तो बी डायमीटर का, का काम करेगा है ना ए भी डायमीटर का काम करेगा ठीक है चलो तो भाई ए बी डायमीटर का काम कर रहा है ये सेंटर है हमारे पास सर्कल का तो अगर मैं ए बी की जो लेंथ है ये डायमीटर होगी ना तो ए बी अगर लेंथ हमारी डायमीटर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू थ्री के का स्क्वायर क्योंकि रेडियस थ्री के है यही होगा होगा ना एक सेकेंड थ्री के नहीं होगा सिक्स के होगा सिक्स के का स्क्वायर ठीक है यानी कि डायमीटर था ए बी जिसकी वैल्यू थी सिक्स के तो इधर भी स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर किया ना डिस्टेंस फॉर्मूला वाला फार्मूला अब सेंट्रोइड की अगर मैं बात करूं सेंट्रॉयड सेंट्रॉयड क्या होगा ए बाय थ्री कॉमा बी बाय थ्री यही होगा ना यही होगा सेंट्रोइड एक्स कॉमा थ्री एक्स कॉमा वाई ये आपका सेंट्रोइड है अब कह रहा है लोकस ऑफ सेंट्रोइड तो ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है थ्री एक्स के बराबर और बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है थ्री वाई के बराबर तो इसमें पुट करो ए की जगह पे कितना हो जाएगा नाइन टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर नाइन टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू में थर्टी सिक्स टाइम्स ऑफ के स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में फोर टाइम्स ऑफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में फोर टाइम्स ऑफ के स्क्वायर है ना तो so, कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ना नब दी का आंसर हो जाएगा ठीक है